नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भगवती चरण वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में, बताऊंगा कौन कौन सी रचनाएं हैं वो भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा नाम बता देता हूं, भगवती शरण वर्मा। इनका जन्म 3 अगस्त 1903, जन्मभूमि इनकी उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में आता है और मृत्यु इनकी हुई थी 5 अक्टूबर 1981। लखनऊ में इन्होंने सारे कार्य किए और मुख्य रचनाएं बता देता हूं, चित्रलेखा है, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, जब ही नचावत राम गुजाई, अज्ञात देश से आना, आज मानव का सुनहला प्रांत है, मेरी कविताएं, मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी, वसिया। क्या क्या लिखते हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। उपन्यास है ये, कहानीकार भी हैं, कविता भी लिखते हैं, संस्मरण, साहित्य आलोचना, नाटक, पत्रकार भी हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय BA LLB की इन्होंने जो है पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनको जो पुरस्कार दिया गया है वह पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बता देता हूं इनके बारे में कि भगवती शरण वर्मा जो है, इनका जन्म 3 अगस्त 1903 उत्तर प्रदेश, मृत्यु 5 अक्टूबर 1981, हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार थे। उन्होंने लेखन तथा पत्रिकाओं के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। कविता के रूप में भगवती शरण वर्मा के रेडियो रूपक महाकाल, कर्ण, द्रौपदी, जो कि 1956 में त्रिपथका के नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुई थी, उनकी विशिष्ट कृति है। यद्यपि उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसागाड़ी का आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अपना ही महत्व है। अब संक्षिप्त में जीवन परिचय बता देता हूं दोस्तों। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 3 अगस्त 1903 में उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शिफापुर गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। भगवती चरण वर्मा जी ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। इसके बीच बीच में इनके फिल्म तथा आकाशवाणी से संबंध रहे। बाद में ये स्वतंत्र लेखक की वृत्त अपनाकर लखनऊ में बस गए। इन्होंने राज्यसभा की मानद सदस्यता प्राप्त कराई गई थी। भगवती शरण वर्मा जी ने एक बार अपने संबंधों में कहा था, मैं मुख्य रूप से उपन्यासकार हूं, कवि नहीं। आज मेरा उपन्यासकार ही सजग रह गया है, कविता से लगाव छूट गया है। कोई भी उनसे सहमत हो या ना हो, ये माने या ना माने कि वे मुख्य उपन्यासकार हैं और कविता से उनका लगाव छूट गया है। उनके अधिकांश भावक ये स्वीकार करते हैं कि सचमुच ही कविता से वर्मा जी का संबंध विच्छित हो गया है, या हो सकता है उनकी आत्मा का सहस्वर कविता है। उनका व्यक्तिगत शायराना अल्लड़पन, रंगीनी और मस्ती का सुधार सवारा हुआ रूप है के किसी वाद विशेष की परिधि में बहुत दिनों तक गिरफ्तार नहीं रहे। यो एक एक करके प्रायः प्रत्येक वाद को उन्होंने टटोला है, देखा है, समझने अपनाने की चेष्टा की है, पर उनकी सहज स्वतंत्र प्रियता, रुमानी, बेचैनी, अल्लड़पन और मस्ती हर बार उन्हें वादी की दीवारें तोड़कर
बाहर निकल आने की प्रेरणा देती रही और प्रेरणा के साथ साथ उसे कार्यान्वित करने की क्षमता और शक्ति भी। यही अल्लड़पन और रोमानी मस्ती इनकी कृतित्व में किसी भी विधा के अंतर्गत क्यों ना हो। जहां एक ओर प्राण फूंक देती है, वहीं दूसरी ओर उसके शिल्प पक्ष की ओर से उन्हें कुछ कुछ लापरवाह भी बना देती है। वे छंदोबद्ध कविता के हामी है, उसी को कविता मानते हैं, पर यह उनकी सहज स्वतंत्र प्रियता के प्रति नियति का हल्का मीठा सा परिहास ही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी